मध्य प्रदेश के बैतूल में एकलव्य आवासीय कन्या छात्रावास में डांस पार्टी का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर ने कड़ा एक्शन लेते हुए दो छात्रावास के अधीक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया है और फौरन छात्रावास छोड़ने के आदेश जारी किए हैं और मामले की जांच के लिए एक टीम भी गठित की गई है। दरअसल मामला 19 अगस्त जन्माष्टमी के दिन का है, जिसका कई जन संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। साथ ही अधीक्षकों को निलंबित करने की मांग रखी गई थी। वहीं छात्रावास की छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर अधीक्षक और अधीक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया जाएगा। रूप से ये तथ्य सामने आया है कि बिना अनुमति के बड़ी संख्या में ऐसी छात्राएं थीं जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी और शाम का वक्त था, और क्योंकि छात्राओं की सुरक्षा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिना किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुमति के इस प्रकार से कार्यक्रम करा गया है, इस वजह से दोनों ही छात्रावास के अधीक्षकों को निलंबित किया गया। आज हम सभी विकासखंड शाहपुर के आवासीय बालक बालिका छात्रावास में जो 19/8/2022 को जन्माष्टमी का कहकर वहां पर रंगारंग कार्यक्रम किया गया, छात्राओं को और छात्रों को साथ में नचवाया गया। हम इसलिए ज्ञापन देने यहां पर आए हैं क्योंकि दिनांक 19 अगस्त को हमारे हॉस्टल में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया कार्यक्रम रखा गया था। इसके तहत कुछ बाहरी लोगों ने हमारे हॉस्टल के कुछ गलत वीडियो बनाकर समाज में फैला दिया है।